देखिए, आज जो टॉपिक हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग का रिवीजन क्लास है। इसमें आज आपको मैं पूरा एक सेशन बताऊंगा कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कैसे करें। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की ये पांचवा लेक्चर है। इसमें सबसे पहले जो हमने लेक्चर सीखा था उसमें हमने कंपनी बनाना सीखा था, उसके अंदर हमने सबसे पहले परचेज करना सीखा था। और परचेज जैसे नॉर्मल आज तक आपने सीखा उस तरीके से परचेज कोई डिफरेंट नहीं है। परचेज में परचेज करते वक्त आपको बस एक बात का याद रखना है जो मैंने बताया था कि जब आप परचेज करोगे सबसे पहले अगर आपका नेचर सेम है तो आप उसके अंदर ग्रुप एक बना लें जिसका नाम जो भी नेचर का वो डाल दें। क्लियर? कल मैंने कुछ बच्चों को देखा कि जैसे नेचर एक है तो यहाँ मिक्स फैब्रिक डाल लें अपनी मर्जी से, रॉ मटेरियल के लिए अलग ग्रुप, या जैसे रॉ मटेरियल खरीदे हमने चैन बटन रिपीज बस अलग अलग आइटम, ये सब एक ही आइटम से ब्लॉक करता है तो आप इसे रॉ मटेरियल में डालें। किस में डालें? रॉ मटेरियल में डालें। जैसे चैन बिलोंग करती है तो भी उसको रॉ मटेरियल में डालें। जितनी आइटम रॉ मटेरियल से रिलेट करती है उसे रॉ मटेरियल में डालें। शॉर्ट फॉर्म ना लिखें, कोई बहुत से लोग अजीबोगरीब शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं RW, वो गलत है। सही तरीके जैसे मैंने लिखा है आप उस तरीके से लिखें। ये परचेज कम्प्लीट हो जाने के साथ साथ आपको एक टॉपिक अनेबल करना होता है, चाहे आप कोई भी अकाउंट बनाओ जिसका नाम है इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन परचेज। बस इस टॉपिक को अनेबल करना है और जैसे आज तक आपने परचेज करी उसी तरीके से परचेज करना, कोई भी डिफरेंस नहीं है परचेज का। जैसे ही आपकी परचेज कंप्लीट होगी आपको स्टॉक जनरल पर आना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्टॉक जनरल का मेन पर्पस होता है किसी प्रोडक्ट को बनाना और किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना। या तो आप प्रोडक्ट को बना लो, कंज्यूम मत करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, या तो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर दो, जनरेट मत करो, वो भी किसके ऊपर है? आप लोगों के ऊपर। के लिए तो आप एक बात याद रखना, स्टॉक जनरल का मेन पर्पस होता है किसी आइटम को बनाना और किसी आइटम को घटाने से। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट? इतना समझ आ गया? इसके बाद हम जाते हैं, सबसे पहले अगर हमें स्टॉक जनरल करनी हो तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ आएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री, और यहाँ से एक टॉपिक अनेबल करते हैं जिसका नाम है मेंटेन MC वाइज, और साथ साथ एक टॉपिक अनेबल करते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर। इसको क्लिक करके क्या कर देते हैं हम लोग? सेव। और सेव करने के बाद डायरेक्ट कहाँ आते हैं? स्टॉक जर्नल पे आते हैं। मैंने स्टॉक जर्नल पर ऑलरेडी मैंने कल आपको ये तीन आइटम करके दिखा दी थी। मैं इस प्रोसेस को डिलीट तो नहीं करता, लेकिन मैं कोई और प्रोसेस करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से सबसे पहले स्टॉक जर्नल पर आ गए, यहाँ से मैं आपकी जो लास्ट दो एंट्रियाँ उसे डिलीट कर देता हूँ, और आप दो एंट्रियाँ मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में करी भी थी। सबसे पहले आप स्टॉक जर्नल पे आएंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब आपको आइटम बनाने, तो आइटम का नाम है आर्टिकल नंबर 789। क्या नाम है? आर्टिकल 789। इसे बनाने की यहाँ डेट गिवन होगी, आपको यहाँ डेट डाल देनी है। पहले मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी को बंद कर देता हूँ, ये प्रोजेक्ट कोई दूसरा सा खुल गया। ठीक है, ये डेट इसमें गिवन है 13/4/2019। तो हमें जब प्रोडक्ट को बनाना है वो क्या डेट रखनी है? 13/4 रखनी है। तो यहाँ पर कितना रखना है? 13/4। मैंने बहुत से लोगों को देखा आप में से प्रैक्टिस करते वक्त कि वो यहाँ पर डेट 1/4 रख रहे हैं, ये गलत तरीका है। सबसे पहले प्रोडक्ट की डेट देखें कि बनाना कब है। अगर नहीं गिवन तो यहाँ जो डेट है आप उसे ही पिक करके आगे काम करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से सबसे पहले आपको डेट डालनी है, जो आपकी डेट हो वो डेट डाल दें। मान लो मेरे केस में 13 थी तो मैं 13 लिख दूंगा। इसके बाद आता है आइटम जनरेटेड। यहाँ पर आइटम जनरेटेड में हम उस बंदे का नाम डालते हैं जो प्रोडक्ट को जनरेट करता है या एक्चुअल में प्रोडक्ट को बनाता है। वैसे तो ये प्रोडक्ट का मतलब है जहाँ तुम्हें माल रखना है उसे MC कहते हैं, जहाँ आपको माल रखना है उसे हम क्या कहते हैं? MC कहते हैं। तो आप यहाँ पर बनाने वाला कौन है? कटिंग मास्टर रोहित जी। तो हम यहाँ पर कटिंग मास्टर जी रोहित बना लेंगे, F3 करके यहाँ लिखेंगे कटिंग मास्टर जी रोहित, और ग्रुप में लिख देंगे प्रोडक्शन, और यहाँ से एक टॉपिक अनेबल करके लिखेंगे कटिंग मास्टर जी रोहित। रोहित है रामलाल है? रोहित है। और हम सभी जानते हैं जो हमारे यहाँ काम करता है उसे हमें पैसे देना होता है, तो हम उसके ग्रुप में क्या डालते हैं? सन्डी क्रिएटर। और ये डाल कर हम नीचे आते हैं, और इसके बाद करने के बाद हम एक टॉप ये हो जाता है। आपको कल भी मैंने बताया था, उससे पहले भी क्लास में बताया था कि इस टॉपिक का मतलब, यहाँ आपने दो नाम बनाए,
पहला तो वो नेम जहां माल को आपको रखना है, और दूसरा वो नेम है जिसके नाम से आपको पैसा उसे देना है। इसलिए दो नाम बनाए। बहुत से लोगों का ये टॉपिक अनेबल नहीं है। क्यों नहीं अनेबल है? क्योंकि उन्होंने कंट्रोल एफ करके फीचर ऑप्शन में जाके इन्वेंट्री में जाके इस टॉपिक को अलाउ नहीं करा। ये टॉपिक फर्स्ट आपको अलाउ करना है अगर आप स्टॉक जनरल पर जा रहे हैं। आप पहले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टॉक जनरल से जाने से पहले ये टॉपिक आपका अनेबल होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। इसे क्या कर दो, सेफ। अच्छा, माल बन के कहाँ रखा जाएगा? कटिंग मास्टर जी रोहित पर रखा जाएगा। इसके बाद कंज्यूम कहाँ से किया जाएगा, कहाँ पर उठाए हुए? मेन स्टोर से। सर नहीं तो अगर नहीं समझ आए तो आपने याद होगा कि आपने जो परचेज करी थी वो कहाँ से करी थी। यहाँ F9 दबाओ और परचेज में जाके देखो कि आपने जो भी माल परचेज करा था वो सारा माल आपने मेन स्टोर पे डाला था। कहाँ डाला था? सारा माल मेन स्टोर पे डाला। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? मेन स्टोर। क्या लिख दोगे यहाँ पर? यहाँ मेन स्टोर। और उसके बाद जो आइटम आपको बनानी है वो आइटम का नाम टाइप करेंगे। हमारे पास वो आइटम बनी हुई है क्योंकि हमने एंट्री डिलीट करे, मास्टर डिलीट नहीं करें। तो इस आइटम को बनाओगे, इसके ग्रुप में क्या रखोगे? फिनिश गुड्स। यूनिट में क्या डालोगे? पीस। और इसके बाद F2 करके से क्या कर दोगे? सेव कर दो। कोई प्रॉब्लम? सेव हो जाने के बाद इसके बाद जितनी क्वांटिटी बनानी है यहाँ पर गिवन है, बनानी है 170 पीस। तो आप कितना लिख देंगे? 170 पीस। और बिना कुछ करे डायरेक्टली कहाँ आ जाएंगे? हम नीचे आएंगे। जब हम नीचे आएंगे तो उसके बाद हमें मिलेगा आइटम कंज्यूम। क्या मिलेगा हमें? आइटम कंज्यूम। और इसमें जो जो आइटम हमें कंज्यूम करनी होगी वो आइटम हम डाल देंगे। सबसे पहले तो कपड़ा कंज्यूम करना है जिसका नाम है, मैंने कल भी नाम चेंज करा था, इसका नाम करा था डायनम 76271 करा था। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से उस आइटम का नाम डालेंगे और कितनी पीस लगानी है? 210। तो यहाँ पर कितना डाल देंगे? 210। और जैसे ही डाल देंगे उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये कपड़ा डल गया कि अगर हमें 170 पीस बनानी है तो कितने मीटर कपड़ा कंज्यूम होगा? 210 मीटर कपड़ा कंज्यूम होगा। इसके बाद एक पाँच पीस में कितनी चैन लग रही हैं? 25। तो एक पीस में कितनी लग रही हैं? 5 पीस। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? चैन लिखोगे। और वो ब्लैक कलर की नहीं है, कौन से कलर की? गोल्डन की। गोल्डन करेंगे, अपने कीबोर्ड से F10 बटन दबाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कितना? 170 × 5। और जैसे ही करोगे आपका आंसर कितना आएगा? 850। कितना आएगा आपका? 850 आंसर आएगा। और उसके बाद आपको क्या लगानी है? 1 मीटर स्तर इन 5 पीस। क्या लिखा है? सॉरी, बट 10 बटन इन 1 पीस। जानते हो एक पीस बनाने को कितने बटन लग रहे हैं? 10। जैसे मैंने शर्ट पहनी, इसमें 8 बटन लगे हुए हैं, तो एक पीस बराबर 8 बटन और 2 पीस बराबर 16 बटन। क्लियर है? वैसे ही 170 में कितने बटन लगेंगे? कोई बताएगा? 1700। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 1700। बटन के बाद क्या लिखा है? 1 मीटर अस्तर इन 5 पीस। जानते हैं, बताएं प्रिय, इसका आंसर क्या आएगा? 1 मीटर अस्तर इन 5 पीस। आशा, शिवम, आकाश, बताएं कितना आंसर आएगा? विवेक, कैलकुलेटर ला दूं? साइंटिफिक कैलकुलेटर, इतना नहीं कैलकुलेट कर पाओगे? मस्त है। कितना आंसर आएगा? पूनम हैं? 85। शिवानी, हाँ, कितना आंसर आएगा? किरण, खड़े हो, कितना? 850 आएगा। रिनु, खड़े हो, कितना आंसर आएगा? हैं? रीजन कैसे? बिल्कुल होते हैं 100 सेंटीमीटर। दो पीस में आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, नमस्कार,
सर अभी थोड़ी देर में आपको मैं कॉल करता हूँ, एक्चुअली मैं क्लास दे रहा था बच्चों को, आपको कॉल बैक करता हूँ। बोलिए। इतना कोई मैंने कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं पूछी आपसे, दो की टेबल नहीं पूछी, आप इतना सोच रहे हैं सब। आशा बता दो। चलिए बैठिए आप सभी। 1 मीटर बराबर होते हैं 10,000 सेंटीमीटर। सो होते हैं। नहीं, हजार होते हैं, गलत बोले, सो होते हैं। तो फिर आप लोग क्यों नहीं बता रहे मुझे आंसर? क्या मैं गलत बता रहा हूँ आप लोगों को? 100 ही सेंटीमीटर होते हैं ना, तो क्या आप लोगों को नहीं पता 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर? यहाँ आंसर क्या बोला है? 5 पीस में कितना मीटर लग रहा है? 1 मीटर लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 मीटर। 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम है? 100 सेंटीमीटर लिखूँ या 1 मीटर लिखूँ, बात क्या अलग है या सेम है? सेम है। तो इस 5 को इससे डिवाइड कर दो ना, तो आंसर कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। और अगर 170 को तुम 20 सेंटीमीटर से गुणा करोगे तब भी तो आंसर 34 ही आएगा। कर दो, मैंने बोला जिसकी जैसी मैथमेटिकल स्किल है वैसे यूज़ कर लें। मुझे तो नहीं आती, मैं समझ में, तो मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को आती है आप अच्छे तरीके से कर लो, लेकिन प्लीज़ करो और बताना स्टार्ट करो। मैंने अभी कोई कॉम्प्लिकेशन मैथ कैलकुलेशन नहीं, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सारे ईजी हैं। जो नेक्स्ट या इससे आने वाले प्रोजेक्ट होंगे वो सारे कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसमें आपको कई बार पेपर पर लेकर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितनी रिपीट, कितना अस्तर, कितना क्या। अभी तो तुम कपड़े का कर रहे हो, आगे चल के टेबल का बनाना है जिसके अंदर आपको वुड के बारे में पता करना है कितने सेंटीमीटर कितना लगाएंगे, क्या कितने इंचेस करेंगे। क्लियर? इतना हो गया तो आप कितना लिख देंगे आंसर यहाँ पर रिपीट में? 5 पीस। उसके बाद 1 kg रिपीट इन 10 पीस, इसका जवाब विवेक देगा पोता हूँ। लो फोन फिर करो ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए आपको? मुको मुको खड़े हो। 17 1700 आएगा। कैसे? तो आप डिवाइड कर दोगे अपने आप ही? कल तक तो इंटू कर रहे थे, आप डिवाइड ही कर दिया आपने। प्रिया 17 आएगा। आप उसकी बातों में आ गए, ठीक है 17 ही आंसर आएगा। कितना क्या आएगा यहाँ पर? क्या था पहले? अस्तर था, मैंने गलत कर दिया, पहले अस्तर था। कितना था? बटन था, अस्तर था और रिपीट थी कितनी? 17। क्लियर? इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या करते हैं शिवानी, क्या करते हैं इसके बाद? हाँ क्या करते हैं? इसका टोटल 22 है, 104 रुपये, 184 रुपये, ये 1600। फिर कौन सा कितना अमाउंट है? ये वाला, ये डाल देंगे यहाँ पर 3382.28। क्लियर है? कितनी कॉस्टिंग आ गई? 431 रुपये 66 पैसे। और हम यहाँ क्या लिखते हैं नरेशन में? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? निक्की बताओ, टोटल कंज्यूम कंज्यूम्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल जनरेटेड क्वांटिटी। कितनी? जनरेटेड क्वांटिटी। तो कितना आंसर आएगा? 210 डिवाइड बाय 170। तो आंसर कितना आएगा बताओ जयंत, क्या लिखो? कितने सेंटीमीटर आएगा या कितने मीटर आएगा? तो 210 डिवाइड बाय 170, तो आंसर कितना आएगा? 1 मीटर 23 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 1 मीटर 23 सेंटीमीटर। किसी को इसमें प्रॉब्लम है? पहले कब कर देते? तो आप पहले कर देते सर, कोई दिक्कत नहीं, आप जब मर्जी कर सकते, वो आपके ऊपर है। ठीक है सर, क्या कर दो? सेव, F2 करो और सेव। हाँ
मस्त नहीं है, आपको अच्छा काम करना है बुरा काम करना है, कल ही बताया था मैंने आपको, अच्छा काम करना है ना, तो ये बेसिक चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी है। ये मत लिखना खाली, ये तो समझाया गया आपको, हमेशा यही लिखना, क्लियर? हाँ हाँ भाई, अभी तो उसने माल बनाया है, अभी इसकी मेहनत का पैसा तो बाद में मिलेगा ना, अभी तो उसने खाली कटिंग करी, कटिंग अब जब ये माल ट्रांसफ़र होगा तब, तो इसके लिए अब इसने माल कब ट्रांसफ़र करा है, 16 तारीख को स्टिचिंग साहिल से कहाँ माल पहुँचा दी, साहिल जी को पहुँचा दिया 16 तारीख को, और जब माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र। यहाँ पर आएंगे सबसे पहले यहाँ तारीख लिखेंगे, माल कब ट्रांसफ़र हुआ, 16 तारीख को, और ट्रांसफ़र करने वाला कौन है, कटिंग मास्टर जी रोहित। फ्रॉम का मतलब होता है सोर्स, फ्रॉम का मतलब होता है सोर्स एमसी, क्या बोलते हैं इसे, सोर्स एमसी, और टू को मतलब बोलते हैं टारगेट एमसी, टू को क्या बोलते हैं टारगेट एमसी, और फ्रॉम को क्या बोलते हैं सोर्स एमसी। सोर्स एमसी का मतलब होता है जहाँ माल रखा होता है, और टारगेट एमसी का मतलब जहाँ माल जाना है। क्लियर? माल कहाँ जाना है, साहिल जी के पास, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, साहिल जी, आपको पूरा नहीं लिखना है, यहाँ क्या रखना है प्रोडक्शन, और यहाँ एफ थ्री करके क्या बनाना है, साहिल जी, और ग्रुप में क्या रखना है, संडी क्रिएटर्स, और इस टॉपिक को नो करके सेव कर देना। इसके बाद हम क्या दे रहे हैं उसे, आर्टिकल नंबर कितना, 170 पीस, और नीचे आकर हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे या तो मैन्युफैक्चरिंग चार्ज या फिर हम जॉब वर्क चार्ज, और हमने कल यहाँ पर दो अकाउंट ऑलरेडी आपके सामने बनाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज और जॉब वर्क के चार्ज के नाम, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? सर यहाँ अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो पैसा आप उसके देना भी तो है हमें, तो एक एंट्री पास करनी, तो उसके लिए आप एक अकाउंट बना लो, ऑलरेडी कल ही बनवाया था आज ही बनवा लो, यहाँ क्या लिख देना, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, क्या लिख देना आप सीधा, हाँ तो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आगे आने वाले केस में करेंगे। यहाँ क्या कर दोगे आप, एडिटिव करोगे, और उसके बाद फिर इधर फोकस करें, और यहाँ पर एक टॉपिक अनेबल कर दें जिसका नाम है इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन स्टॉक ट्रांसफर, इस टॉपिक को क्या कर दें आप, यस कर दें, और यस करने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा स्टॉक ट्रांसफ़र, और यहाँ से आप एक टॉपिक अनेबल करेंगे जिसका नाम है इफेक्ट अकाउंटिंग, और साथ साथ यहाँ लिखेंगे अदर साइड स्पेसिफाई अकाउंट हेयर, और यहाँ एक अकाउंट बनाएंगे जॉब वर्क चार्ज के नाम से, तो उसके ग्रुप में हम क्या डाल देंगे, एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता होना चाहिए एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो एक्सपेंस है जो माल को बनाने पर खर्च किए जाते हैं, एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो एक्सपेंस होते हैं जो माल बनाने से रिलेटेड जो भी खर्चा उस पर आता है। सर आपने डॉट डॉट क्यों डाली, क्यों, अगर डॉट डॉट नहीं डालता तो इस नाम से ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट बना हुआ, वो मुझे मैसेज दे देता, इसलिए मैंने क्या डाल दी, डॉट डॉट डाली ताकि मुझे मैसेज ना दे, और उसके बाद क्या कर देंगे आप, सेव कर देंगे, सेफ हो गया, इसको यस करेंगे, इसको यस करेंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, पर मेन क्वान्टिटी, कि आप जितना माल बनाओगे आपको उतने के पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा के पैसे नहीं मिलेंगे। यस सर, कहाँ पर भाई, यहाँ पर तो लिख दे खून पसीने की कमाई, आपको जो समझ आए वो लिख दे, यहाँ भी लिख सकते हो खून पसीने की कमाई, जो मन करे आप, समझ के नहीं है, ये ज़रूरी नहीं आगा, क्या हुआ, सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा हुआ वर्ड इसके बराबर नहीं होगा, यहाँ जो होगा दोनों अलग हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप खुद कॉमन सेंस लगा के आपको कैच करनी पड़ेगी, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं भाई, ठीक है, बैठिए बोले, अभी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि अगर बिजी में कोई एंट्री हो जाती है तो उस नाम को आप डिलीट नहीं कर सकते, उस नाम को अगर करना है तो पहले वो एंट्री डिलीट करो, उसके बाद वो नाम डिलीट होगा, हैं किसे, ये तो ये वाला, ये तो अभी बनाया ही नहीं, सेफ ही नहीं करा, तो डिलीट कहाँ से करोगे, जब सेफ होगा तभी तो डिलीट करोगे, अभी तो सेफ बटन पे क्लिक ही नहीं करा, विवेक क्या हुआ, कहाँ ध्यान है, कहाँ पर जाऊँ, डिलीट आ गया, सेव कर दिया, अब क्या करूँ, ऑल प्लस एम करा, F8 करा और डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। खुशबू आप उधर ही बैठ जाओ, अभी वहीं छेल लेके बैठ जाओ खुशबू, तुमने डेट डिलीट करवा दिया, मुझसे दोबारा करवाना चाहते हो आप काम,
मतलब अगर आपको समझ नहीं आता तो आप पहले बोल देते, अब एंट्री डिलीट करवा दिया आपने, ऐसा नहीं करा। ठीक है, एडिटिव कर दो और यहाँ पर इस टॉपिक को एनेबल कर दो। और यहाँ क्या कर दो, परमानेंट क्वांटिटी और सेव। कितनी पीस के पैसे ले रहा है, एक पीस के 6 रुपये 50 पैसे। कितना ले रहा है, एक पीस के 6 रुपये 50 पैसे। इसको दो बार F2 और F2 करके क्या कर देंगे, सेव। अब माल साहिल से कहाँ पर जा रहा है, साहिल से संदीप जी पर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, साहिल टू संदीप। और क्या जा रहा है, आर्टिकल नंबर कितना, 170 पीस। देखो पहले कॉस्टिंग कितनी आई थी इसकी, 435 रुपये, और उसकी कॉस्टिंग अब बढ़ गई। तो जैसे जैसे इसकी कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद क्या लिखोगे, अगेन लिख दो मैन्युफैक्चरिंग चार्ज, कितने रुपये ले रहा है साहिल, 30 रुपये 30 डाल दो। और जैसे ही सेल सेव करोगे उसके बाद माल कहाँ आएगा, वॉशिंग से शॉप पर। कहाँ आएगा, वॉशिंग से शॉप। और शॉप पर जब आप अकाउंट बनाएंगे तो एक बात याद रखना, इस टॉपिक को नो रखना और यहाँ गोडाउन या फिर क्या लेना, स्टोर, गोडाउन या स्टोर लेना। सेव कर दो, इसके बाद आर्टिकल डालो और यहाँ पर 170 डाल के सेव। देखो कॉस्टिंग कितनी होगी, 468 रुपये होगी। और उसके बाद यहाँ पर जॉब वर्क डाल दो, और ये कितने रुपये ले रहा है संदीप, 70 रुपये। काम खत्म हो गया। अब तुम नरेशन में क्या लिख दो, कॉस्टिंग, क्योंकि माल आगे जाएगा ही नहीं कहीं। तो कॉस्टिंग इज इक्वल टू 4,68.16 + 17, और यहाँ जाके आप इसे टोटल कर लो, 468.16 + 17, तो कितना आ गया, 538.16। और दूसरा तरीका याद है, मैंने कोई तरीका आप लोगों को बताया था, कोई बताएगा मुझे, एक और एंटी, वेरी गुड। एक और एंटी करने की नहीं, या टोटल अमाउंट को क्या कर दो आप, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो भी आंसर आएगा। तो भी आंसर कितना आएगा, 500 रुपये 16। क्या कर दो, वो सेव। क्लियर। अब देखो सबका अकाउंट खोलोगे तो उसकी जो मेहनत का पैसा होगा उसके अकाउंट में आएगा। पहला कौन था, रोहित था, रोहित जी के अकाउंट में उसकी मेहनत का पैसा आया नहीं अभी तक। नहीं, कटिंग मास्टर रोहित था, कटिंग मास्टर रोहित आ गया 1105 रुपये। कौन था, संदीप था, संदीप के अकाउंट में आ गए। ठीक है, ये रहा गया। इसके बाद और कौन था, साहिल जी थे, वो आ गए। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी काम था जो मैंने अभी आपको सिखाया। इसके बाद अब हम आगे टॉपिक करेंगे, लेकिन पहले आप इतना कर लें। इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और सेल से रिलेटेड बातें। क्या है, अब हमारा माल बन गया, सब कुछ हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको सेल करना है। क्या करना है, सेल। सेल करने के लिए आप कहाँ जाओगे, मान लो सेल के लिए कहाँ पर आओगे, सेल पर आओगे। लेकिन सेल पर आने वक्त उसने कहा कि अंश जींस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने दीपक सेल्स कॉरपोरेशन को माल बेचा है, कितना, 25 पीस, तो लॉट नंबर 789 और आर्टिकल नंबर 789 ही होगा, 6 होगा, क्या होगा ये, 6, और आर्टिकल नंबर 789 और डिज़ाइन नंबर हमने अभी बनाया नहीं, इसे हटा देते हैं। क्लियर है, तो ये दो आइटम उसने अभी बनाई हैं और इनका उसने क्या करना है, 25 पीस बेचनी है, लेकिन जितनी कॉस्टिंग आई उसका 70% उसे प्रॉफिट लेना है। क्या लेना है, 70% प्रॉफिट लेकर बेचना है। समझ आ गई मेरी बात। मान लो ये आइटम मैं ख़रीद के लाया, ये डोंगल दिख रहा है आपको, इसकी कॉस्ट है 1100 रुपये की। कितनी कॉस्ट है, 1100 रुपये की। आगे जब मैं सेल करूँगा तो मैं क्या प्रॉफिट पर सेल करूँगा या विदाउट प्रॉफिट पर सेल करूँगा, प्रॉफिट। 1100 रुपये की मेरी, ये मेरी कॉस्टिंग है, तो क्या मैं आपको फ्री 1100 में दे दूँगा, नहीं, तो मैं इस पर अपना क्या ऐड करूँगा, प्रॉफिट। तो कॉस्टिंग प्लस क्या बोल रहा है, 70%। तो कॉस्टिंग जो आपका प्राइस निकला और 70% क्या बात है, वो आपका प्रॉफिट। क्या बात है, प्रॉफिट। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आपका क्या निकल जाएगा, कोई बताएगा क्या निकल जाएगा, सेल प्राइस। क्या निकल जाएगा, सेल प्राइस। कोई डाउट, तो कॉस्टिंग निकालने के लिए कहाँ जाओ, स्टॉक ट्रांसफर पे आओ, कहाँ आओ, लिस्ट पे आओ, और लास्ट एंट्री पर जाकर यहाँ समरी पर जाओ, और इसे कैसे, यहाँ क्या गिवन है, आइटम, और यहाँ जाके क्या कर दो, आइटम, और इसे ऑटो फिल्टर और सब डिटेल पर क्लिक कर दो।
उसके बाद आपको इसकी लास्ट एंट्री को पिक करना है और खोल कर देखना है कि इसकी लास्ट एंट्री कितनी आ रही है, 535 रुपये 99 पैसे। तो यहाँ पर लिख दोगे 535 रुपये 99 पैसे, इसका ये आ गई हमारी कॉस्ट। इसके बाद हम इसका कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, 70%। तो इसका कितना निकाल लो, 70%। तो 70% कितना आएगा आपका, 70% आएगा 375 रुपये 93 पैसे। और इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 912 रुपये। हम कितना मान लेते हैं इसे, 912 रुपये। किसी को प्रॉब्लम है, इतना समझ आ गया। हमने कैसे निकाला, सबसे पहले तो हमने कॉस्टिंग पता करी। कॉस्टिंग पता करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ पर आए, स्टॉक ट्रांसफ़र पे आए, और यहाँ आकर हमने सारी आइटम निकाली। लेकिन हम किस पे गए, पहले F5 दबाया, यहाँ से समराइज ऑन करा, आइटम वाइज लिया, क्योंकि इसकी हेडिंग क्या है, आइटम के नाम से, तो मैंने इसकी हेडिंग ली। उसके बाद मैंने सब ऑटो समरी पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्या क्लिक कर दिया, सब ऑटो। तो यहाँ पर एक समरी बन के आ गई, क्या बन के आ गई, एक समरी। और मैंने लास्ट लास्ट एंट्री को खोल कर चेक कर लिया। इसके बाद लास्ट एंट्री खोलो, आर्टिकल नंबर 789, क्या नाम है आर्टिकल, इसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 538 रुपये 16 पैसे। कितनी आ रही है, 538 रुपये 16 पैसे। तो इसका सेल प्राइस निकालना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 538 रुपये 16 पैसे। और वो कितना प्रॉफिट ले रहा है इसका, 90 रुपये ले रहा है। कितना ले रहा है, 90 रुपये ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा। तो आप यहाँ प्रॉफिट कितना लिखो, 90, और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, एक पीस की कॉस्टिंग 630 रुपये मान लो। कितना आ रही है, 630 रुपये। क्लियर। और अब तुम क्या करो, किसी भी आइटम के अंदर जाओ और उसके कॉस्टिंग डाल दो। आइटम को लाने के लिए, आइटम का स्टॉक देखने के लिए अपने कीबोर्ड से ओल्ट आई दबा दो। जैसे ही ओल्ट आई दबाओगे, तुम्हारा आइटम का स्टॉक आ जाएगा। यहाँ आइटम का नाम है, आर्टिकल नंबर डाल दो, और इसके अंदर जाके ओल्ट प्लस एम कर दो, और यहाँ पर कॉस्टिंग कितनी लिख दो, 630 रुपये। कैसे करा, दोबारा बताता हूँ। मैंने ओल्ट आई करा, ओल्ट आई से आइटम का नाम आएगा, मैंने आइटम नाम डाला आर्टिकल, इसको इंटर मारा, और इसके ऊपर जाकर मैंने ओल्ड प्लस एम कर दिया। क्या कर दिया मैंने, ओल्ड प्लस एम, और यहाँ पर जो इसकी कॉस्टिंग थी वो यहाँ से मैंने कॉस्टिंग डाल के क्या कर दिया, सेव कर दिया। परचेज प्राइस नहीं भाई, माल बेच रहा हूँ तो सेल प्राइस आएगा ना, परचेज तो आई नहीं, क्योंकि बनाया है माल। क्या करा है, माल बनाया है। अब ऐसे मुझे किस आइटम का नाम डालना है, इस आइटम का रेट डालना है, तो क्या करूँगा मैं, अगेन ओल्ड आई करूँगा, और उसके बाद आइटम का नाम टाइप करूँगा, और इस पर जाके इंटर मार के ओल्ड प्लस एम करूँगा, और यहाँ पर क्या कॉस्टिंग आई थी, कितनी थी, 912 रुपये आई है। क्लियर है, वैसे क्या कर दूँगा, सेफ हो गई, सेफ। अब इसके बाद कहाँ जाएँ, सेल पर आएँ। सेल कब करनी है, सेल करनी है हमें कब करनी है, 28/4 को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 28/4। पार्टी क्या नाम है, पार्टी का नाम है F3 करके बनाए, दीपक सेल्स कॉरपोरेशन, ग्रुप में संडी डेप्टस, और जो भी इसका एड्रेस होगा वो आप टाइप कर देंगे, 2677 सदर बाज़ार दिल्ली 55 6 लगेगा, कोई बोल रहा है तो 6 डाल देता हूँ, ठीक है। मेंटेन विलर टॉपिक को 9 करूँगा और सेव कर दूँगा। माल कहाँ पर रखा है सारा, 9 बताएं, 9 सर ओल्ट आई करो, आइटम का नाम टाइप करो, और लास्ट एंट्री देखो कहाँ माल रखा है इसका, शॉप पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है, शॉप पर। और इस वाली आइटम का देखो माल किस पर रखा हुआ है, मेन स्टोर पे। अब दोनों आइटम अलग, एक जगह तो माल मेन स्टोर पे रखा हो, दूसरे का माल कहाँ रखा हुआ है, शॉप पर। तो आप दोनों को सेम लोकेशन पे लाओ, कहाँ पर लाओ, सेम लोकेशन पे। तो कहाँ जाओ, स्टॉक जर्नल से एक एंट्री और पास कर दो सेम डेट में ही, किसकी, शॉप टू मेन स्टोर, और क्या नाम था, आर्टिकल नंबर 170। क्लियर है, और क्या कर दो, सेल कर। और उसके बाद आप सेल करो, सेल पर जाओ, क्या तारीख थी, 28/4। पार्टी का नाम दीपक सेल्स कॉरपोरेशन, यहाँ क्या लिखोगे, मेन स्टोर, और क्या बेच रहे हो, आर्टिकल नंबर 170। कितना बेच रहे हैं हम, 35 पीस। उसके बाद क्या बेच रहे हैं, 786। कितना बेच रहे हैं हम लोग, 25 पीस, ख़त्म। तो टोटल माल कितने का बना, 44,850 रुपये का। कितने का बिल बना, 44,850। माल किसके साथ जा रहा है, अंकुर रोड लाइन से जा रहा है। किससे जा रहा है,
अंकुर रोड लाइन, और हमें उसे कितने परसेंट डिस्काउंट देना है, 7.5%। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, और कितना लिखेंगे, 7.5। क्लियर। उसके बाद सेव कर, तो क्या पूछा, ट्रांसपोर्ट क्या है, अंकुर रोड लाइन ट्रांसपोर्ट, और जो भी इसका स्टेशन है वो डाल दो, स्टेशन तो गिवन है कोलकाता, तो यहाँ कोलकाता डाल दो। क्लियर है, और सेव कर दो। क्या हो गया, बिल सेव हो गया। इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल लें, बाय एंड टू पे लिख देना, ठीक है, बाय हैंड लिख देना। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है, नॉट GRLR रिसीव आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद हमें क्या मिली है, उसकी कॉपी मिली है LR की, तो हमें इसके अंदर डालने आए ना, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, मॉडिफाई पे आएंगे और इसे F2 करेंगे, और यहाँ जाके GR नंबर LR नंबर टाइप कर देंगे। सेम डे नहीं मिलता, 2 दिन बाद मिलता है, ऐसा क्या कर दो, सेव कर दो, और आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ GRLR नंबर आ गया। ओके, ऐसे ही हमें एक और सेल करनी है, लेकिन सेल किसको करनी है, VA इंटरप्राइज को, किसको करनी है, VA इंटरप्राइज को, ठीक है, वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। क्लियर है। चलिए अभी सिस्टम बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए।